एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुहाना रेसिपीज। आज हम लोग बनाएंगे वेज सैंडविचेस और ये सैंडविचेस इतनी टेस्टी होंगी कि आप तीनों टाइम बनाना चाहेंगे, मॉर्निंग, नून, इवनिंग। और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए बनाते हैं। ये हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ब्रेड स्लाइसेस, व्हाइट ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड, उबले हुए आलू जिनको हमने मैश कर लिया है, एक कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ शिमला मिर्च, एक कटी हुई गाजर, आधी कटोरी धनिया चटनी, थोड़ा टमेटो केचप। ये आलू, टमाटर और प्याज, इनकी हमने स्लाइसेस बना लिए हैं। एक चम्मच नमक, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बटर, चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो या फिर इटालियन सीजनिंग। हम पैन चढ़ाएंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें प्याज डाल देंगे और उनको हल्का फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम शिमला मिर्च भी इसी में डाल देंगे। नाउ वी ऐड 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और इनको हम सौते कर लेंगे। इसके बाद हम ग्रेटेड कैरेट्स भी ऐड कर लेंगे और अब आलू। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पका लेंगे। अब हम इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और आधी चम्मच चाट मसाला, इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी वेजीज के साथ। ये देखिए, वेजीज हमारी पक गई हैं। अब हम इसमें एक चम्मच टमेटो केचप भी ऐड कर लेंगे। हमारी कुछ प्याज बच गए थे, वो भी हम इसी में डाल देंगे और इनको मिक्स कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर दे रहे हैं और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम 4 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इसके ऊपर बटर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। 2 ब्रेड स्लाइसेस में हम धनिया चटनी अप्लाई करेंगे। और बाकी 2 में टमेटो केचप। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग। ये हमारा ऑप्शनल स्टेप है। हमारी वेजीज भी ठंडी हो चुकी है, वो हम इसके ऊपर स्टफिंग जैसे अप्लाई कर देंगे, पूरी स्लाइस में अच्छे से स्प्रेड भी कर देंगे। दो ब्रेड स्लाइस में हम स्टफिंग अप्लाई करेंगे और बाकी दोनों में हम इस तरीके से स्लाइसेस रख देंगे। पहले हम आलू की स्लाइस रख रहे हैं, फिर टमाटर की। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर देंगे। और इसके बाद हम प्याज की स्लाइस रखेंगे। प्याज के ऊपर भी हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। हम यहाँ पे 4 लेयर सैंडविच बना रहे हैं, आप चाहें तो 3 लेयर भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रेड उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसके ऊपर बटर अप्लाई कर देंगे, थोड़ी सी धनिया चटनी भी। इसी के ऊपर टमेटो केचप और अब इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहे तो सैंडविच को ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा सैंडविचेस को कुक कर लेंगे। इसके लिए पैन में हमने थोड़ी सी ग्रीसिंग कर ली है ऑयल से। अब इसके ऊपर हम अपनी सैंडविच रखेंगे। इसे प्लीज ज्यादा बेक मत करिएगा, बिल्कुल हल्का सा ही करेंगे हम। और अगर ना भी करें तो भी ये बहुत यम्मी लगेगी। ये देखिए, हमारी वेज सैंडविच रेडी है सर्व करने के लिए। हमारी सैंडविच बेक होके रेडी है। आप चाहें तो बिना बेक किए हुए सैंडविच को भी सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत डिलीशियस लगती है।
यमी टमी सैंडविच रेडी है सर्व करने के लिए। प्लीज डू ट्राई दीज डिलीशियस लेयर्ड सैंडविचेस एट योर होम। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।